बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भूकंप के झटके लगे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई जिलों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। अंबिकापुर, सूरजपुर में भी भूकंप के झटके आए हैं। तो ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये शुरुआती जानकारी, अभी और डिटेल सामने नहीं आया है कि क्या इसकी रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी और क्या इससे कोई नुकसान भी हुआ है क्या छत्तीसगढ़ में। लेकिन बड़ी खबर है ये इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, अंबिकापुर और सूरजपुर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। न केवल ये दो जिले बल्कि कई और जिलों में भी लोगों को भूकंप महसूस हुआ है। और कहीं कोई जनहानि तो नहीं हुई, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, इस जानकारी जरूर जुटाई जा रही है। लेकिन ये आशा की जानी चाहिए कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता ज्यादा ना रही हो, लेकिन शुरुआती जानकारी, कई जिलों में झटके महसूस किए गए हैं। तो देर में यह भी साफ हो जाएगा कि तीव्रता आखिर जो केंद्र था वो कहां था इस भूकंप का। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इनमें अंबिकापुर और सूरजपुर भी शामिल है। और हालांकि जानकारी अभी साफ नहीं हो पाई है, किसी तरह की कोई जनहानि या कोई क्षति तो नहीं हुई इन झटकों से, भूकंप के झटकों से। तो छत्तीसगढ़ में ये भूकंप के झटके आए हैं, क्या इसकी वजह है, वैज्ञानिक इसका कारण भी निकालेंगे। लेकिन जो जानकारी अभी आई है, कई जिले छत्तीसगढ़ के जहां लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है, उनमें अंबिकापुर और सूरजपुर भी शामिल। क्या तीव्रता थी ये अभी साफ नहीं है भूकंप के झटकों की। और न्यूज 18 संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है भूकंप के झटकों से जुड़ी हुई, कहां इसका केंद्र था, क्या रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी, कौन कौन से जिले जहां महसूस किए गए झटके? प्रशांत, बता दूं, लगभग 8:03 की बात है, जब लगभग 4 से 5 घंटे तक ये महसूस किए गए। हालांकि तीव्रता अभी तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन सरगुजा संभाग में तो जो फोन आ रहे, बातें हो रही है, अंबिकापुर और सूरजपुर, हालांकि कोरिया में भी हो सकते हैं, और ये लगातार ये चौथी बार जो सूरजपुर जिले और आसपास के इलाकों में जो इस तरह से भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि अभी प्रशासन इस मामले में जमीनी स्तर पर अभी पता करेगा किस तरह का तीव्रता कितनी थी और क्या कुछ नुकसान का अनुमान हो सकता है, तो उसको लेकर प्रशासन जो पहल करेगा उसके बाद ही पूरी बातें सामने आ सकेगी। प्रशांत जी, वरुण, किसी नुकसान की कोई खबर तो नहीं, क्षति की कोई खबर तो नहीं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इलाका से भी जुड़ा हुआ है ये पूरा क्षेत्र, सूरजपुर, कोरिया, अंबिकापुर, ऐसे क्षेत्र, तो यहाँ इस तरह के झटके महसूस होते रहते हैं। लेकिन जो कच्चे के मकान है, बारिश के दिन है, तो ऐसे में नुकसान की बातें सामने आ सकती है, लेकिन प्रशासनिक जब स्टेटमेंट जारी होगा या उनके तरफ से अगर मैदानी अमले के द्वारा जो जांच की जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कुछ नुकसान हुआ है इस भूकंप पे, तो जल्द ही तस्वीर सामने आ जाएगी। जी प्रशांत जी, आसपास कौन कौन से जिले, दो प्रमुख जिले बताए जा रहे हैं, कुछ और भी डिटेल सामने आया क्या? अभी जो हमारी यहाँ SDM से जिस तरह से बात हुई है, उनके द्वारा पूरा डेटा लिया जा रहा है कि ये भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर कितने थे, उसकी तीव्रता, क्योंकि 4 से 5 सेकंड तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना था, तो उसी हिसाब से आसपास कहाँ केंद्र बिंदु था और कौन कौन से जिले प्रभावित हुए हैं इस भूकंप से, तो वो जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी।